चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष की। दरअसल कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव का नतीजा आ जाएगा। एआईसीसी मुख्यालय में वोटों की गिनती होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के भाग्य का फैसला होगा। 24 साल बाद कांग्रेस में गैर गांधी परिवार से निर्वाचित होगा अध्यक्ष। 137 साल पुरानी कांग्रेस में अब तक 6 बार ही अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था, लेकिन नए अध्यक्ष के लिए कांटों की राह और चुनौतियां अनेक हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी सिर पर हैं। गांधी परिवार से सोनिया, राहुल, प्रियंका सक्रिय राजनीति में हैं। अब ऐसे में नए अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार से पटरी बैठाना भी चुनौती रहेगी नए अध्यक्ष के लिए। हालांकि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों आमने सामने, मतदान हो चुका है, आज फैसले की घड़ी है। तो एक लंबा अरसा हो गया कि कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में ही हैं, जोधपुर हाउस में ठहरे हैं। सीएम गहलोत पवन गोदारा मिलने पहुंचे सीएम गहलोत से, और सुबह 10:30 बजे बीकानेर हाउस जाएंगे सीएम गहलोत। तो नए अध्यक्ष का स्वागत राजस्थान की तरफ से भी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद हैं। पीसीसी जयपुर से नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश, इससे पहले हम बात कर रहे थे तो उस समय तो कोई हलचल नहीं थी, लेकिन नजर तो राजस्थान की भी इस मतगणना पर है कि कौन नया अध्यक्ष बनने वाला है, कौन नया अध्यक्ष होगा जो गैर गांधी होगा और जो अब कांग्रेस को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल वहां पर कुछ हलचल देखने को मिल रही है या फिर सुबह जो तस्वीरें थी वैसे ही तस्वीरें हैं? दीपिका, देखिए अभी पीसीसी की तस्वीर तो वैसी है जो मैंने आपको पहली दिखाई थी, लेकिन कौन अध्यक्ष बनेगा ये पहले से तय है। रुझान है, वो आ चुके हैं, जिस दिन वोटिंग हुई थी उसी दिन से। और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपने बात की है तो वो प्रस्तावक बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे के, और जब आज काउंटिंग होनी है तो वो दिल्ली में है। और जो संभावना वो यही है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बनेंगे तो अशोक गहलोत सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक होंगे, क्योंकि वे उनके प्रस्तावक भी थे। और आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में से अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे नेता है जो प्रस्तावक थे, और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जीत मिलने की संभावना पहले ही जता दी थी। तो ऐसे में आपने जैसे कहा कि जो नया अध्यक्ष बनेगा, सभी कांग्रेसजनों की नज़र तो उस पर है ही है, लेकिन खासकर राजस्थान के कांग्रेसियों की नज़र विशेषकर है, क्योंकि राजस्थान का एक अलग मुद्दा है, राजस्थान का एक अलग किस्सा है, राजस्थान के लिए कुछ अलग फैसले होने हैं संगठन को लेके और जो नोटिस मिले हैं उनको लेके। लेकिन बहरहाल ये बड़ी चीज़ है कि 400 से अधिक चूँकि यहाँ से डेलीगेट थे, जिन्होंने उनमें से कईयों ने जो है अपने मताधिकार का उपयोग किया, तो एक उनको एक पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि वो अध्यक्ष के लिए वोटिंग कर रहे हैं। यानी डेलीगेट्स तो वो लंबे समय से थे लेकिन कभी वोटिंग नहीं हुई थी। ठीक तो है ऐसे में नरेश, हम लौटेंगे आपके पास जोधपुर हाउस से। दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, अब तो काउंटिंग शुरू हो गई होगी? देखिए 9 बजे पोलिंग ऑफिसर्स जो काउंटिंग ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे। 10 बजे जितने भी मतपेटियाँ आई थी पूरे देश से उनको एक साथ खोला जा रहा है। अभी 10 बज रहे हैं, वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पर वोटिंग हुई वहीं पर काउंटिंग हो रही है, और वो तमाम जो मतपेटियाँ हैं उन्हें एक साथ खोला जाएगा, और एक साथ खोलने के बाद भी सारे वोट्स को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। दरअसल इसके पीछे की मंशा ये होती है कि कोई भी ये पता न लग पाए कि किस राज्य से कितने वोट किसको मिले हैं, और एक साथ जो एक फिगर कंसोलिडेटेड आता है वही आता है। ये सेग्रीगेट नहीं करना की कोशिश होती है कि किस राज्य से किसको किससे मिले हैं, जिससे कि आगे चल के किसी भी तरह की कोई बायसनेस या कोई सवाल खड़ा ना हो। तो 10 बज चुके हैं, मतपेटियों को खोला जा रहा है। हालांकि हम अभी जोधपुर हाउस में मौजूद हैं अशोक गहलोत के आवास के बाहर, लेकिन अब कुछ देर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और 1 बजे तक आपको वो रुझान कह सकते हैं वो तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि खड़गे खेमे में उत्साह है, खड़गे खेमे में जश्न की तैयारियां हैं,
और दोनों ही जो कैंडिडेट्स थे वो आज दिल्ली में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जितने भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं, सीनियर नेता हैं, वो करीब 12:30 के आसपास जब तक वो तस्वीर साफ होगी वो एआईसीसी दफ्तर पहुंचेंगे। आपको बहुत लंबे समय बाद उम्मीद है कि जश्न का माहौल एआईसीसी में देखने को मिले। फिलहाल हम आपको बता दें कि हम जो है अशोक गहलोत के आवास पर मौजूद हैं। यहाँ पर पवन गोदारा उनसे मिलने आए थे, कल रात को पवन खेड़ा मिले हैं और अभी संदीप चौधरी जो हैं वो भी उनसे मुलाकात करने आए हैं। दरअसल आज बहुत ज़्यादा कार्यक्रमों में अशोक गहलोत व्यस्त है। पहला आज वो एआईसीसी जाएंगे जब जश्न का माहौल होगा। दूसरा कि करीबन 12:30 वो बीकानेर हाउस जा सकते हैं, वहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा आप 10:30 का ये बात है, और इसके अलावा आज 15 GRG भी अशोक गहलोत जा सकते हैं, सीनियर ऑब्जर्वर हैं वो, और गुजरात को लेकर टिकटों को लेकर भी वहाँ पर बैठक मानी जा रही है। देखिए हिमाचल की कई 46 कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है 46ों की, अब गुजरात की बारी है। बहुत बैठकों की दौर होना है जिसमें अशोक गहलोत शामिल होंगे क्योंकि वो सीनियर ऑब्जर्वर हैं, तो आज कई बैठकों का दौर में वो रहने वाले हैं। लेकिन राजस्थान के लिहाज से आज बड़ा दिन इसलिए भी है, पहला तो पूरे कांग्रेस में एक नया इतिहास रचा जा रहा है, मतपेटियां खुल चुकी हैं, बहुत लंबे समय बाद ये मौका आया है जब एक गैर गांधी अध्यक्ष होगा। आगे क्या कुछ होता है, संगठन बदलाव कैसे तमाम चीजें होती हैं, ये तो चर्चा का विषय है, हम दिन भर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन राजस्थान के लिहाज से भी वो जो 102 विधायक हैं उनमें से जो प्रतिनिधित्व थे जो अजय माकन के पास गए थे और ये कह रहे थे कि 19 से पहले राजस्थान में कोई फैसला ना हो, तो 19 तारीख आ चुकी है, अब इंतजार सभी विधायकों को इस बात का है कि क्या कोई फैसला अब होगा राजस्थान पे या चीजें ऐसे ही चलेगी। क्योंकि जहां पर एक तरफ अशोक गहलोत लगातार 2023 की तैयारियों की बैठक कर रहे हैं, सचिन पायलट के बयानों में भी यही नजर आता है कि 2023 में सरकार को रिपीट कराना है, ऐसे में जो ये एक साल का समय है जिसमें इंटरनल जो खींचतान चल रही है उसको विराम आलाकमान कैसे देगा, और आलाकमान सवाल फिर है आलाकमान कौन, क्या राहुल गांधी तय करेंगे, सोनिया गांधी, या खड़गे तय करेंगे, या शशि थरूर तय करेंगे, क्या कुछ होगा, ये आज यानी 19 के 2:30 जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद का विषय है। बिल्कुल अदिति, हम कह तो रुझान रहे हैं लेकिन अगर ये कहें कि महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है तो ये भी गलत नहीं होगा। देखिए क्योंकि चुनाव हुआ है और क्योंकि दो प्रत्याशी हैं, बिल्कुल, तो काउंटिंग भी होगी। ये बात जरूर है कि जिस दिन वोटिंग का दिन था देश भर में जो कार्यकर्ता और जो पीसीसी डेलीगेट्स थे उनका ये मानना था कि चाहे खबरों के लिहाज से, टीवी के माध्यम से या नेताओं के माध्यम से ये नजर तो आ रहा है कि खड़गे ही वो आलाकमान के कैंडिडेट हैं, लेकिन किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है। कई युवा नेताओं के मन में ये सवाल था कि शशि थरूर क्यों नहीं, तो संभवतः कुछ वोट शशि थरूर को भी दिए गए होंगे, तमाम चीजें होंगी, तो ये बात साफ है कि खड़गे ही आगे हैं, खड़गे ही बनेंगे, लेकिन कितना वोट किसको जाता है ये भी देखना होगा क्योंकि दो प्रत्याशी हैं, तो काउंटिंग की वो पूरी प्रक्रिया यहाँ होगी, दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर समय तय करके खड़गे अपनी कुर्सी संभालेंगे, वो कुर्सी जो सोनिया गांधी की लंबे समय से सोनिया गांधी के पास रही और अब या गांधी परिवार के पास रही, अब वो खड़गे के पास जानी है, और क्या अभी भी टेक्निकली गांधी परिवार के पास रहेगी ये तो आने वाले दिन बताएंगे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस के इतिहास में जो 147 साल का इतिहास है उसमें आज भी एक बहुत बड़ा दिन है और आगे ये दिन ऐतिहासिक रहेगा। जब जब भी हम कांग्रेस के कार्यप्रणाली पे, कांग्रेस के जीत हार पे, कांग्रेस के किसी के बारे में भी बात करेंगे तो आज के दिन का जिक्र जरूर हमेशा किया जाएगा। बिल्कुल, और सोनिया गांधी को हमने अदिति सुना भी था और वो ये भी कह रही थी कि लंबे समय से इस दिन का हमें इंतजार था जब मतदान हो रहा था, सोनिया गांधी ने उस दौरान ये बात कही थी, और कहीं ना कहीं वो जो तमाम बातें फिर चाहे बीजेपी की तरफ से कही जाती है कि कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार की है, गैर गांधी की कोई जगह इसमें है ही नहीं अध्यक्ष पद के लिए, कहीं ना कहीं आज जब ये तो निश्चित है कि गैर गांधी ही कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है तो उन बातों पर भी विराम लगेगा जो लगातार बीजेपी की तरफ से उठाई जाती हैं, जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है और उससे उबरने की कोशिश लगातार कांग्रेस करती रही है। परिवारवाद पर जो आरोप
बिल्कुल, देखिए परिवारवाद का जो आरोप लगता आया है उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और शायद राहुल गांधी की जो ये जिद थी कि ना मैं और ना मेरे परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अगर सूत्रों की बात माने तो प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा इच्छुक थी, ऐसा सूत्र कहते हैं कि वो इच्छुक थी इस पद के लिए, और गांधी परिवार के जो करीबी लोग थे या आधी कांग्रेस ये चाहती थी कि या तो राहुल गांधी बने या सोनिया गांधी ही कंटिन्यू करती रहे, कंफर्ट होता है 22 सालों का। लेकिन राहुल गांधी की ये जिद कि ना वो ना उनके परिवार का कोई व्यक्ति बने, उसका पहला जो रीज़न है वो यही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह या तमाम नेताओं को ये मौका ना दिया जाए कि वो परिवारवाद पर घेरें कांग्रेस को, क्योंकि आगामी दिनों में गुजरात में, हिमाचल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 2024 के चुनाव होंगे। तो जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है परिवारवाद का, वो अगर बीजेपी के पास नहीं रहेगा तो उनको नए इश्यूज निकाल के लाने पड़ेंगे। जैसे कि एक सवाल, एक उदाहरण के आधार पे, जब ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया था 5 दिन लगातार, तो जब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित पात्रा से लेकर किसी ने भी करी तो पहला पॉइंट यही होता था कि गांधी परिवार के लिए कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं, गांधी परिवार को बचाने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं, परिवार को बचाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, या परिवारवाद का जो आरोप लगता था। तो वो जाहिर तौर पर आज के बाद से शायद बीजेपी को लगाना होगा, तो उसके लिए उदाहरण या टेक्निकलिटीज में देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की मतपेटियां खुल चुकी हैं, मतों की गिनती, गणना शुरू होने वाली है, हो चुकी है, और ऐसे में जो एक वो संशय के बादल छट जाएंगे, पार्टी को एक नया अध्यक्ष गैर गांधी मिल जाएगा। और खड़गे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो खड़गे अनुभवी हैं, अगर मुख्यमंत्री का पोस्ट हटा दी जाए तो खड़गे ने अपने जीवन में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जीवन में सबसे बेहतर पोस्ट ली है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से जोड़कर एक सवाल है कि बेशक खड़गे अनुभवी हैं और तमाम उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं पार्टी में, काफी अनुभव उनको रहा है, लेकिन अब वो अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनके अनुभव की परीक्षा होगी। फिर चाहे अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव हो, फिर आगे 2024 भी है, परीक्षा ही परीक्षा है। देखिए कई बार परीक्षा ही परीक्षा है, दूसरी बात है कि जहां पर हिमाचल, राहुल गांधी की बात, अगर हम खड़गे की बात किसी भी कार्यकर्ता से, नेता से, मंत्री से, संतरी से, जनरल सेक्रेटरी से करते हैं, तो वो राहुल गांधी को बीच में जरूर ले आते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। तो एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ही प्राइम फोकस कांग्रेस के लिए हैं, और जब जब भी ऊर्जा की बात होती है, किसी युवा चेहरे की बात होती है, सड़कों पर संघर्ष की बात होती है, तो राहुल गांधी का नाम आ जाता है। पिछले 10 दिनों में भी जब जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई, कांग्रेस के हर संबंधित व्यक्ति ने, अथॉरिटेटिव व्यक्ति ने राहुल गांधी को बीच में लाया गया। यानी कि, और जब ये बात होती है कि जो एक सीनियर नेता को बनाया गया है कि सड़कों पर संघर्ष कर पाएंगे, तो भी ये बात होती है कि राहुल गांधी तो सड़कों पर संघर्ष कर ही रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ये कॉम्बिनेशन है राहुल गांधी और खड़गे का। दूसरा, अगर इसको उस तरीके से देखा जाए तो अब जो भी हार, देखिए राहुल गांधी जाहिर तौर पे हिमाचल और गुजरात को इतना फोकस इसलिए दे भी नहीं रहे, क्योंकि अगर दे रहे होते तो भारत जोड़ो यात्रा वो हिमाचल से भी पहले निकाल लेते, क्योंकि चुनाव हुआ है, आपकी ज्योग्राफी की परीक्षा है और आप तैयारी मैथ्स की कर रहे हो, या फिर राहुल गांधी साउथ से ना होते हुए गुजरात में 1 महीना निकाल लेते। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी का जो विजन है वो 2024 या उसके बाद का है, वो पहले पूरे भारत में घूमकर स्थिति को समझना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे में हिमाचल में हार अगर देखने को मिलती है, गुजरात में देखने को मिलती है, तो ठीकड़ा जाहिर तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पे फूटेगा। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के लिए भी आसान है, जो हर बार ये होता था कि सोनिया गांधी घर में रहती हैं, सड़कों पे नहीं निकल पाती, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, तो अब खड़गे पे होगा, खड़गे की उम्र पे होगा, खड़गे के अनुभव पे हो सकता है या खड़गे के डिसीजन पे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक चेहरा मिल गया है जिसके ऊपर ठीकड़ा फोड़ा जा सकता हो, या कुछ बेहतर होगा तो भी ये कहा जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो अभी तो बहुत पानी बहना कांग्रेस में बाकी है, अभी भी कांग्रेस में आपको एक 1980 का खेमा नजर आएगा, एक 2000 का नजर आएगा। 2000 का वो खेमा है जो राहुल गांधी टीम का हिस्सा है, और 1980 का वो खेमा है जो सोनिया गांधी का हिस्सा है।
और दोनों ही अपने अपने नेता से फोन पर या एक कॉल या संपर्क में रहते हैं, तो अभी भी गुटबाजी भी आपको नजर आएगी खड़गे के या शशि थरूर को? हम बार बार, क्योंकि इंडिपेंडेंट चुनाव है तो हमें शशि थरूर का नाम भी लेना चाहिए, अगर शशि थरूर बनते हैं एक फर्ज करा तो उनके आने से क्या बदलाव होंगे पार्टी में? लेकिन ये बात तय है कि पार्टी हमेशा चर्चा में रहेगी, क्योंकि शशि थरूर आज तक हमेशा चर्चा में रहे हैं। बिल्कुल। तो आज कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन है, कांग्रेस की मतगणना शुरू हो चुकी है और आज कांग्रेस को ये बात तय है कि नया गैर गांधी अध्यक्ष मिल जाएगा। अब वो कस्टमरी सिग्नेचर करने वाला है या जेन्युइन डिसीजन लेने वाला है या उसके ऊपर भी तीन बॉस हैं, या आगे आने वाले दिन कांग्रेस की चाल, कांग्रेस की ढाल ये सब बताएगी। बिल्कुल अदिति, और आपने वाकई में सही कहा कि बेशक हम बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले रहे हैं, लेकिन शशि थरूर का नाम लेना भी जरूरी है। और वाकई में इससे पहले आपने जिक्र भी किया कि कितने वोट उन्हें मिलते हैं, इस पर भी हर किसी की नजर मिले रहेगी, क्योंकि अगर कम भी वोट मिलता है तो भी बड़ा सवाल है, और अगर ज्यादा भी वोट पा जाते हैं वो तो भी बड़ा सवाल है। देखिए, अगर कम वोट मिलता है तो जाहिर तौर पे उनके समर्थक या पार्टी में एक बात जरूर होगी कि आला कमान ने जरूर नहीं कहा कि हमारा कोई प्रत्याशी है, लेकिन इशारों इशारों में ही सब कुछ हो गया। इशारे ही काफी थे जब सारे CWC सदस्य, यहाँ तक कि G23 के भी सदस्य खड़गे के साथ खड़े नजर आए, और हमेशा शशि थरूर की उस हिम्मत की दाद देनी होगी कि शशि थरूर ने चाहे केवल दो ही वोट पाने के लिए ही भले, लेकिन पहले दिन ही तय कर लिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये प्रिंसिपल्स का चुनाव है, मैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाना चाहता हूँ कांग्रेस में, और वो प्रिंसिपल्स के आधार पर चुनाव में लड़ा। उनको दो वोट मिलते हैं या 200 वोट मिलते हैं या 2000 वोट मिलते हैं, शशि थरूर के इस डिसीजन पे कि वो चुनाव लड़ेंगे ये हमेशा चर्चा में रहेगा, क्योंकि वो G23 के सदस्य थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने G23 से भी बिना पूछे चुनाव में भाग लेने का या खड़े होने का फैसला लिया था, तो कहीं ना कहीं G23 भी असहज था उनके साथ खड़े होने में। और एक समय ये भी आया था जब भूपेंद्र हुडा हुए, आनंद शर्मा हुए और पृथ्वीराज चौहान हुए, ये तमाम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि G23 की तरफ से किसको चुनाव लड़ाया जाए, तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अशोक गहलोत मेरे दोस्त है, तब तक अशोक गहलोत चुनावी उस रेस में सबसे आगे थे, तो वो बोले कि मैं नहीं लड़ सकता, वो मेरे दोस्त है, उनके सामने मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आनंद शर्मा ने कहा मैं तो रेस से बाहर हूँ और अशोक गहलोत मेरे मित्र हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भाई जो कैंडिडेट आला कमान ने तय किया है वो कर लेते हैं। फिर एक समय ये भी आया जब अशोक गहलोत रेस से बाहर हुए और जब मल्लिकार्जुन खड़गे रेस में आए, तब फिर एक बार G23 की चर्चा हुई, क्योंकि शशि थरूर ने तो G23 से पूछ के पर्चा नहीं भरा था या फैसला नहीं लिया था, तब भी ये चर्चा हुई। तब मनीष तिवारी को पकड़ा गया कि क्यों ना आप चुनाव में उतरे, जब ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इंडिपेंडेंट चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में मनीष तिवारी को कहा गया, तो मनीष तिवारी ने साफ मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हुई, बीच में दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई। दिग्विजय सिंह की एंट्री होते ही जो ये मैंने आपको जिक्र किया था 2000 का एक खेमा है, 2000 जो ईयर है उस का खेमा कहते हैं, जैसे 1980 वैसे 2000, तो वो खेमा रातों रात एक्टिव हो गया रातों रात, जहां पर एक समय यह आया कि अशोक गहलोत रेस से बाहर और केवल शशि थरूर ही एक प्रत्याशी होंगे, जब तक खड़गे का नाम नहीं आया था, तो दिग्विजय सिंह को लगा कि भाई बहुत आसान होगा मेरे लिए ये चुनाव निकाल लेना, और उन्होंने KC वेणुगोपाल को भी फोन करके ये कहा कि भाई क्यों मैं सीरियस कैंडिडेट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्यों मुझे सीरियस कैंडिडेट क्यों नहीं माना जा रहा। और सोनिया गांधी से भी वो मिले, राहुल गांधी की तरफ से साफ ये था कि जो लड़ना चाहता है खुला चुनाव है, लड़े, इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन रातों रात उस 2000 वाली कैंप ने उनका पत्ता काटा, उनको नॉन सीरियस कैंडिडेट करार किया। एक समय ऐसा आ गया था कि दिग्विजय सिंह जब केरला से पहुंचे दिल्ली तो उनके घर पे वो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की भीड़ लग गई, उन्होंने वो 10 प्रस्तावक भी तैयार कर लिए, 5 फॉर्म के बारे में भी सोचा, लेकिन सच यही था कि जिस पवन बंसल के पास जो 2 फॉर्म थे, वो फॉर्म जिसके पास जाने थे वही आलाकमान का आधिकारिक प्रत्याशी था, और वो 2 फॉर्म के लिए माना जा रहा था कि अशोक गहलोत को दिए जाएंगे, लेकिन
जब अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने के लिए मना किया तो वो दोनों फॉर्म खड़गे के पास चले गए। तो ऐसे में खड़गे ही वो अधिकारी, या आप कह सकते हैं जिस तरीके से आलाकमान के प्रत्याशी हैं, तो बहुत कुछ कहानियां किस्से हैं इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के पीछे। लेकिन आज है 19 तारीख, बहुत बार हमने राजस्थान में खास तौर पर 19 तारीख का जिक्र सुना, राजस्थान के ऊटा पटक के लिहाज से भी सुना, कांग्रेस के नए इतिहास के लिहाज से भी सुना। तो वो 19 तारीख जो है वो आज आ चुकी है। 19 तारीख के दोपहर 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आलाकमान के प्रत्याशी जीत चुके हैं, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। और फिर जो सब उम्मीद कर रहे हैं कि संगठन में बड़े बदलाव होंगे, जो उम्मीद कर रहे हैं कि इधर एक तरफ खड़गे और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश भर में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। और राजस्थान में जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, ये भी आज के बाद फैसला बिल्कुल होगा। अदिति, हमें तस्वीरें भी मिल रही है, देखिए काउंटिंग की शुरुआत हो रही है और तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं दर्शकों को। और देखिए मतदान की प्रक्रिया भी देखी, लेकिन आज मतगणना की बारी है और मतगणना की शुरुआत हो गई है, वही तस्वीरें अब सामने भी आने लगी है और इस पर हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की नजर, साथ ही साथ विपक्ष की भी, क्योंकि पूरी मतदान प्रक्रिया हो चुकी पहले ही, लेकिन आज मतगणना की बारी है। और लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि आज कांग्रेस को 2 दशक बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। लगातार आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते आए हैं कि सिर्फ गांधी परिवार का ही दबदबा पार्टी में है, गैर गांधी की कोई पूछ नहीं होती है, गैर गांधी कभी कोई उच्च पद पर नहीं नजर आता है। वो तमाम बातें जो विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी आज विराम लग जाएगा और इसीलिए आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। अदिति, और अदिति आप जिक्र भी कर रही थी कि अब खेमे में बटी हुई है कांग्रेस, कांग्रेस खेमे में बटी हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो अब सीनियर लीडर्स हो या फिर वो G23 की बात कर ले या फिर युवा लीडर्स हो, तमाम खेमे कांग्रेस में नजर आते हैं। बाहरी अगर आरोपों की बात करें तो तमाम आरोपों से कांग्रेस जूझती तो है, लेकिन उन आरोपों से भी पार पाना है, साथ ही साथ संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है। और जो हालत इस वक्त कांग्रेस की है, जो तमाम परेशानियों से कांग्रेस जूझ रही है, उन परेशानियों को भी दूर करना है और बड़ी चुनौती वाकई में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रणनीति कांग्रेस बना रही है, गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। 2023 का जिक्र करें तो वहां पर भी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होना है, उसकी रणनीति भी बनानी है। और अगर 2024 की बात करें तो वहां पर प्रदर्शन सुधारना है कांग्रेस पार्टी को। अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत रणनीति करनी है तो तमाम परेशानियों से निपटना होगा ही। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं और काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है और 1 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से ऐलान होगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि रुझान भी सिर्फ कहने भर के हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो उनकी जीत तय है। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, आप देखिए जिक्र हम इसी बात का कर रहे हैं कि आज गैर गांधी कांग्रेस को अध्यक्ष मिलने जा रहा है, हर किसी की नजर इसी पर ही है और काउंटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये बात तय हो चुकी थी जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने नामांकन भरे थे कि अब जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो गैर गांधी होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार आरोप रहे हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस को चलाता है, गांधी परिवार के हाथ में कमान होती है, तो उस आरोप को दरकिनार करने के लिए या एक तरह से कहे कि एक जो दाग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उसको धोने के लिए ये कांग्रेस का बड़ा फैसला है। और कुछ ऐसे ही जो तस्वीरें एक बार आपको पीसीसी से दिखा देते जहां मैं खड़ा हूं कि कुछ उसी तरह की जो सफाई है वो भी यहां पे चल रही है, धोया जा रहा है पीसीसी दफ्तर को, साफ सफाई की जा रही है कि संभवतः जो धूल जमी थी उसको हटाया जाए। और कुछ ऐसी कोशिश अब होगी जब नए कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिनमें एक निराशा का सा माहौल था,
जो लगातार एक तरफ के आरोप को लगातार झेल रहे थे, अब वो कम से कम वो आरोप तो उन पे नहीं लग पाएंगे। और जहां तक नए अध्यक्ष जब बनेंगे, लगभग तय है, अभी आपने खुद कहा, अदिति ने भी कहा कि कौन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ये लगभग तय है जिस तरह से वोटिंग का रुझान आया था। और अभी कुछ देर बाद जब काउंटिंग के बाद फैसला आ जाएगा तो भी अधिकृत रूप से नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन कहानी है वो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जो चुनौतियां है वो बड़ी है, उन चुनौतियों से कैसे कांग्रेस को पार पाना है। क्योंकि अभी तक तो जैसे अभी ये बात सामने आ रही कि वास्तव में जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो एक्टिव प्रेसिडेंट रहेंगे या फिर उसी तरह से आला कमान की छत्रछाया में काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं, भागदौड़ वाले प्रेसिडेंट रहते हैं, तो जो चुनौतियां है, खासकर दो बड़ी चुनौती है कि एक तो कांग्रेस को मजबूत बनाना है, कांग्रेस को विस्तार देना, और साथ में जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव हैं, जो पहली उनकी अग्नि परीक्षा, उसको किस तरह से पार कर पाते हैं। और राजस्थान से जुड़ा जो मुद्दा, चूंकि हम राजस्थान से ये बात बता रहे हैं, पीसीसी से बात बता रहे हैं, तो जो राजस्थान के कांग्रेसी नेता है उनको सीधा सा मतलब इस बात से है कि जब नया अध्यक्ष बन जाता है तो राजस्थान का केस किस तरह से हल होता है, क्योंकि कई घटनाक्रम हुए हैं राजस्थान में पिछले कुछ समय से, सियासी घटनाक्रम हुए हैं, संगठन में आपसी जो संगठन में जो आपसी तनातनी रही है, विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, खींचतान लगातार रही है, तो ये खींचतान कैसे रुकेगी, ये जो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले जो कांग्रेस के अंदरूनी हिस्से में चल रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाए। और जो अनुशासन की बात की जा रही थी, जो नोटिस दिए थे तीन कांग्रेस के नेताओं को जो धारीवाल के बंगले पे बैठक हुई थी, तो उस नोटिस के बारे में क्या फैसला होता है, किस तरह के संकेत आलाकमान के द्वारा दिए जाते हैं। मैंने कहा जैसे कि सिर्फ अध्यक्ष बनना ही काफ़ी नहीं है, अध्यक्ष दिखना ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नरेश, और लगातार काउंटिंग तो देखिए शुरू हो गई है और चर्चा भी हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।